हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीक म्यूजिक स्क्वाड। तो लास्ट वीडियो में हमने एक गाने की मिक्सिंग करी थी, बेसिक मिक्सिंग, और अब हम इस वीडियो में उस गाने की मास्टरिंग करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो मैं अपना प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ। तो लास्ट टाइम हमारा ये गाना कैसा साउंड कर रहा था पहले ये सुन लेते हैं। की दे नाल किन्ने बजे किन्नी वारी केड़े शहर पाए पैर मैनू कुड़े दस जा और गां की दे साहा नाल गल विच बाहां पाईयां ठहर मैनू कुड़े दस जा उरे आ कोल बैठ मैं बच्चा नहीं आ मेरी अख ता देख मैं कच्चा नहीं आ गहराई वाली बुक्कल च निक किन्ना सी एना ही जवाब चाहिदा है दिने दिने अख ता तो ये गाना काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है, लेकिन फिर भी आप देखो हमें इसमें मास्टरिंग की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमने इस गाने में ये जो एक सेकेंड जब हमने इस गाने में मिक्सिंग करी थी तो इन सबको कम से कम 5-5 dB नीचे कर दिया था। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो असली आवाज़ थी म्यूज़िक की वो थोड़ी कम हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे सॉन्ग की आवाज़ थोड़ी बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे इस हिसाब से कि वो क्लिप भी ना करे, मतलब डिस्टॉर्ट भी ना हो और वो सुनाई भी पूरी तरीके से पड़े। तो सबसे पहले हम मास्टर करने के लिए, इस मास्टरिंग करने के लिए इसके मास्टर ट्रैक पे जाएंगे। मास्टर ट्रैक पे हमें सबसे पहले एक फ्रूटी लिमिटर लगा हुआ दिखेगा स्लॉट नंबर 10 पे, नहीं होगा तो आप कैसे लेके आएंगे। यहाँ पे जाएंगे और सेलेक्ट में जाके फ्रूटी लिमिटर, लेकिन मेरा पहले से ही कनेक्ट है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब मेरा फ्रूटी लिमिटर खुल गया है। अब देखो हमें यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है, स्टार्टिंग में हमें जाना है कंप्रेसर पे। अब सबसे पहले कंप्रेसर काम क्या करता है, जैसे कि मैं एक वेव फॉर्म दिखाता हूँ पहले आपको। जैसे कि ये गाना है, मैंने ये जब गाना शुरू करा तो देखो यहाँ पे ये इसका वो फ्रिक्वेंसी मतलब वॉल्यूम कितना कम था, अचानक से फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, और कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। तो ये क्या होता है, ये जो कम फ्रीक्वेंसी या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं डायनेमिक रेंज। इसकी वजह से क्या होता है, कभी हमें अचानक से साउंड तेज़ सुनाई देता है, कभी अचानक से कम सुनाई देता है। तो इसको एक इक्वलाइज करने के लिए हम कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। तो वैसे इसके अंदर FL Studio के अंदर अपने खुद के कंप्रेसर भी हैं, एक तो है फ्रूटी कंप्रेसर, एक है फ्रूटी मल्टी ब्रांड कंप्रेसर। लेकिन आप कोई सा भी यूज़ करो सब एक ही काम करते हैं, चाहे फिर वो कोई सा भी डो हो। तो अब हम फ्रूटी लिमिटर के अंदर कंप्रेसर यूज़ करते हैं। तो हमें फ्रूटी लिमिटर में जाना है, कुछ ऐसे खुलेगा, हम कंप्रेसर पर क्लिक करेंगे, कंप्रेसर खुल जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा इसे प्ले करके ऐसी जगह पे प्ले करेंगे जहाँ पे हमारे सारे साउंड आ रहे हैं, हमें पता लग जाए कि भाई कि वहाँ पे हमारा साउंड कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। जैसे कि ये वाला पार्ट, यहाँ पे हमारा पूरा साउंड आ रहा है। देखो तो अब हम क्या करेंगे, इसको लूप पे कर लेंगे। अब हम मास्टर ट्रैक पे गए, फ्रूटी लिमिटर खोला और अब इसको थोड़ा सा प्ले करेंगे तो इसका ये ग्राफ यहाँ पे हमें शो करेगा। तो अब हमने करा प्ले। अब देखो इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ये यहीं पे रुक जाएगा, अगर दोबारा से क्लिक कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो अब हमें इसे रोक के रखना है क्योंकि हमें इस पे काम करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं थ्रेशहोल्ड से। थ्रेशहोल्ड क्या होता है, देखिए अब मैं इसको थ्रेशहोल्ड को कम ज़्यादा करता हूँ तो एक लाइन ब्लू लाइन आगे ऊपर या नीचे होती है। तो इससे क्या है, अब जैसे मैंने थ्रेशहोल्ड यहाँ पे सेट कर दिया तो जैसे अपने फिजिक्स में भी टर्म होता है थ्रेशहोल्ड की, मतलब उससे ऊपर का काम हम जो भी करेंगे मतलब उससे नीचे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, एक थ्रेशहोल्ड होता है ना। तो उसी तरह से इसमें भी थ्रेशहोल्ड वही काम करता है कि मान लो मैंने थ्रेशहोल्ड की लाइन यहाँ पे फिक्स कर दी इस रेंज पे, अब मैं कोई भी यहाँ से नी छेड़ूंगा, रेशियो छेड़ूंगा, अटैक या फिर रिलीज छेड़ूंगा तो इसके नीचे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ इफेक्ट ऊपर ही ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैंने मान लो थ्रेशहोल्ड मैंने यहाँ क्यों सेट करा, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे एक रेंज ऐसी है कि जहाँ पे ज़्यादा डायनेमिक रेंज नहीं बचेगी, यहाँ पे खैर म्यूज़िक मतलब कमी हो रहा है इसलिए यहाँ पे आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, वरना बाकी देखिए तो ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है, सब जगह अब थ्रेशहोल्ड बराबर सा हो गया है। मतलब अब जो भी इफेक्ट आएगा वो इसके थ्रेशहोल्ड लाइन से ऊपर ऊपर आएगा अगर मैं इनका अटैक या रेशियो कुछ भी हटता हूँ। अब दूसरा कंप्रेसर में मेन चीज़ होती है रेशियो। रेशियो क्या होती है, रेशियो होती है इनपुट बाय आउटपुट। तो ये हमारा हिंट पैनल है, इसमें देखने का
कि जब मैं रेशियो को बढ़ाऊंगा तो ये जैसे कि हमारे मैथमेटिक्स में रेशियो होता है 1:1, 1:2, 1:10, उसी तरीके से ये भी काम करता है। अब इसका काम क्या है कि वन जैसे यहाँ पे इस टाइम लिखा रहा है 1:1, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर अगर अगर एग्जांपल ले लें, अगर ऊपर 1 dB जो हमने थ्रेशोल्ड लिया, अगर उसके ऊपर 1 dB साउंड थी तो वो 1 dB को 1 dB ही सुनाएगा, मतलब इसमें कोई फ़र्क ही नहीं आएगा। जैसे कहते हैं ना 10:10:1:1, तो मतलब कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाना शुरू करता हूँ, जैसे मैंने इसको कर दिया 2:1, तो मतलब अगर इसके इनपुट में ये जो थ्रेशोल्ड के ऊपर वेव आ रही है, अगर ये 2 dB तक थी, तो अब ये इसको हाफ करके 1 dB कर देगा, मतलब 2:1। अगर मैं इसको और बढ़ाता हूँ तो ये आ जाता है 3:1। अगर 3 dB थी तो इसको ये 3 dB को 1 dB में कन्वर्ट कर देगा, मतलब 3 dB साउंड को 1 dB कन्वर्ट कर देगा, तो आवाज़ काफ़ी कम हो जाएगी, आप खुद सोच सकते हैं। अगर यहाँ पे 9 dB साउंड होती तो उसको वो 3 dB में कर देता। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं 4, 5, 6, ऐसी 20:1 तक है इसमें, मतलब अगर 20 dB ऊपर साउंड होगी तो ये उसको 1 dB तक कर सकता है। तो अब हमें इसे ज़्यादा कम नहीं करना है, हम वैसे गानों में ज़्यादा से ज़्यादा 2:1, 3:1, 4:1, इससे ऊपर नहीं जाते हैं। तो मैं इसमें सेट कर देता हूँ 3:1। ओके, तो अब एक बार हम फिर से प्ले करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट आया इसमें। ਯਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕਲ ਚ ਨਿੱਗ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। अब देखो पिछली बार ये जो लाइंस थी, एक बार फिर से प्ले कर लेते हैं। ਕੋਲ ਬੈਠ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕਲ ਚ ਨਿੱਗ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। तो देखो लास्ट टाइम इसमें जो वो वेव आ रही थी वो पूरी ऊपर तक वाइट थी। अब देखो यहाँ पे मैंने रेशियो सेट करा है, तो ये जितनी भी ऊंची ऊंची वेव हैं ये सब ब्लू कलर में आने लगी है, मतलब ये इनको कंप्रेस कर रहा है, इस वोकल्स को यहीं तक सुनाई दे रही है हमें, यहाँ तक, मतलब आवाज़ थोड़ी बैलेंस हुई है। अगर हम रेशियो को थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो अगर मैं रेशियो को 4:1 कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ਕੋਲ ਬੈਠ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ। 11 ਵਾਲੀ ਬੁੱਕਲ ਚ ਨਿੱਗ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। तो इससे क्या हुआ, अब हमारी वोकल थोड़ी कंप्रेस हो गई और थोड़ी लेवल में चल रही है। अब लेवल में चल रही है, हमें यहाँ पे तो दिख रहा है, यहाँ पे तो कुछ नहीं पता लग रहा, तो उसका भी एक तरीका बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया वोकल को। कंप्रेस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये इसमें दो नॉब और होती हैं, अटैक और रिलीज। अटैक क्या होता है कि जो हमने कंप्रेस करी है वोकल वो कितनी देर बाद स्टार्ट हो। यहाँ पे देखो, अगर हिंट पैनल में देखना, यहाँ पे अटैक पे अगर मैं लेके जाता हूँ तो 0.00, मतलब जैसे ही कंप्रेस हुई तुरंत उसने अपना फ़र्क दिखाया उसे। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मतलब 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, तो लगभग लगभग 2 मिली सेकेंड वो कंप्रेसर अपना काम करना स्टार्ट करेगा। और अगर मैं रिलीज़ में भी सेम ऐसी है कि वो जब मैं बोलना बंद करूँगा तो वो कितनी देर बाद वो चीज़ ख़त्म होती है। तो अगर मैं इसको 2 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड रखता हूँ तो ठीक है। ठीक, तो अब ज़रा सुन के देखते हैं कि गाना कैसा साउंड कर रहा है। ਕੋਲ ਬੈਠ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤਾਂ। मुझे पता है कि ऐसा कोई इफेक्ट सुनाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन जब हम इसकी वेव फॉर्म देखेंगे तो ज़रूर पड़ेगा। अब देखिए, मास्टरिंग में केवल कंप्रेसर में इतना ही था। अब हम जो मेन इसका, अब अगर आप देखोगे तो इसके मास्टर ट्रैक पे कितनी साउंड जा रही है। ਕੋਲ ਬੈਠ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ। लगभग 3 dB तक जा रहा था, इससे ऊपर नहीं जा रहा। अगर हम इससे ऊपर लेके जाना भी चाहते हैं इसे, तो 0 dB से ऊपर निकले के जाएंगे, क्योंकि 0 dB से ऊपर साउंड क्लिप होती है, मतलब डिस्टॉर्ट होती है। अगर आप किसी बड़े स्पीकर्स वगैरह में सुनेंगे तो आपको वो साफ़ सुनाई देगी, आपको जैसे कि बोलते कि आवाज़ फट रही है, तो उस हिसाब से हमें इसको क्या करना है, इतना गेन देना है कि ये 0 तक चले, और उससे क्या होगा, गाने की आवाज़ भी तेज आएगी और गाना डिस्टॉर्ट भी नहीं होगा। तो अब हम ये गेन वाली नॉब पकड़ेंगे और गाना प्ले कर लेंगे। 11 वाली बुक्कल च निग किन्ना सी, इन्ना ही जवाब चाहिदा। ਕੋਲ ਬੈਠ अब देखो मैंने इसको गेन दे दिया है, 0 से थोड़ा नीचे या 0 के लगभग ही जा रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा। आप फिर से सुन के देख सकते हैं। मैं बच्चा नहीं आ, मेरी अक ता देख मैं कच्चा नहीं आ। 11 वाली बुक्कल च निग किन्ना सी, इन्ना ही जवाब चाहिदा। ਕੋਲ ਬੈਠ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੱਚਾ। बाकी गाना अब काफ़ी सही साउंड कर रहा है, और हमने जो ये अपने
हाथों से मतलब अपना एडजस्ट कर रहा है मैनुअली। अगर हम इसको ऑटो एडजस्ट करना चाहें तो इसमें काफ़ी सारे प्रीसेट भी दिए गए हैं, लेकिन वो हमेशा 100% काम नहीं करते। कभी कभी किसी किसी गाने पे सेट बैठ जाते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि थ्रेशोल्ड सेट करें। थ्रेशोल्ड मैंने क्या बताया कि अगर हम थ्रेशोल्ड सेट कर देते हैं जो जो भी हम यहाँ पे नॉब वगैरह छेड़ेंगे, नी, रेशियो, रिलीज, अटैक, तो सब उसके थ्रेशोल्ड के ऊपर ऊपर फ़र्क पड़ेगा, नीचे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला फ्रिक्वेंसी पे। और मेन जो कंप्रेसर का काम ये होता है कि वोकल को कंप्रेस करना। कंप्रेस, अब जब हमने कंप्रेस करा तो उसने क्या करा, वोकल को एक लेवल में लाया, और जब गेन दिया तो जो भी वोकल कम थी उसने उसको भी बढ़ा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये गाना पूरा तैयार हो चुका है, हमने मास्टर भी कर दिया, मिक्स भी कर दिया है, तो अब गाना कहीं काफ़ी सही साउंड कर रहा है। अब पहले जाएंगे फाइल में, फिर हम जाएंगे एक्सपोर्ट वेव फाइल। अब हम इसको वेव फाइल में एक्सपोर्ट कर लेंगे। गाने का नाम हिसाब ही दे देते हैं, इसको वेव फॉर्मेट में हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। सेव करेंगे, आप इसको रेंडर कर लेंगे वेव फाइल में, तो ये रेंडर हो रही है। तो अब वो सेव हो गई है फाइल। तो अब हम क्या करेंगे, उसको ड्रैग और ड्रॉप यहाँ पे कर लेंगे। तो देखो अगर हम इसको अकेले को प्ले करें तो देखना कितना बढ़िया साउंड करेगा अभी गाना। बजे किन्नी वारी गेड़े शहर पाए पैर मैनू कुड़े दस जा, और गां कि सह नाल गल विच बाहां पाइया ठहर मैनू कुड़े दस जा। उरे आ कोल बैठ मैं बच्चा नहीं आ, मेरी अख ता देख मैं कच्चा नहीं आ, गहरा आली बुकल च निग किन्ना सी इन्ना ही जवाब चाहिदा है। दिने दिने अख तां दिने दिने अख तां असी भी बहुत रखी, सानू रातां दा हिसाब चाहिदा है। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।